धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। कर्नाटक चुनावी नतीजे के बाद जो बुलेटिन शुरू किया हुआ है धाकड़ खबर ने, उसका चौथा एपिसोड आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2020 का खेल चल रहा है सरकार बनाने को लेकर, जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। लेकिन हमें पता है शाम दाम दंड भेद अपनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, प्रजातंत्र में राजतंत्र की पॉलिसी लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वहां सरकार बने लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, जेडीएस कुछ नहीं कर पाएगी। ये हम आपको बता दे रहे हैं अभी से, पहले से ही बता दे रहे हैं। हो सकता है जब ये खबर आप पहुंच रही हो आप तक, तब तक सरकार भी वो बना चुके हो, दावा भी वो पेश कर चुके हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता चाहने के लिए वो उसके साथ भी जा सकते हैं जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, वो उसके साथ जा सकते हैं जिसे वो जिसके डीएनए में वो खराबी बता सकते हो। सत्ता चाहिए उनको, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस खबर में आपके सामने आंकड़ों के साथ रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या कर सकती है और कांग्रेस सत्ता के करीब रह के भी, आंकड़ा पा के भी कुछ नहीं कर सकती है। फिलहाल अभी आपके सामने बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का जो चुनावी आंकड़ा हमारे सामने आया उसमें भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो वहां अभी सत्ता में थी वो कांग्रेस बन गई है और तीसरे नंबर पर वहां बन गई है जेडीएस। जेडीएस और कांग्रेस आपस में मिलकर 115-116 के आसपास पहुंच रहे हैं और दो उनके साथ निर्दलीय हैं 118, और वो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का। लेकिन 105-104 के आसपास जमी हुई भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत से बहुत दूर दिखाई देती है, वो उन सबसे आगे बढ़कर ताल ठोक रही है। राज्यपाल ने ना तो कुमार स्वामी को मिलने के लिए टाइम दिया, ना गुलाम नबी आजाद को मिलने के लिए टाइम दिया। सबसे पहले अगर किसी को टाइम दिया येदुरप्पा को, जो येदुरप्पा 3 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले थे, वो दिल्ली नहीं गए, उन्होंने दिल्ली जाना अपना बंद कर दिया क्योंकि वो उससे पहले ऐलान कर चुके थे कि 17 मई को मैं शपथ लेने जा रहा हूं सीएम पद की। लेकिन उसी बीच मामला उल्टा हो गया क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस का जब दाव चला तो उन्हें लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, तो वो रुक गए और वो खुद पहुंच गए। राज्यपाल ने उनको बुला लिया है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और जितने भी लोग हैं आजकल वो भी जो हैं, उन्होंने जो कहा है कि सब कुछ जो है वो राज्यपाल के विवेक पे निर्भर है। राज्यपाल कौन सी पार्टी को बुलाए, किस पार्टी को बुलाए, कब बुलाए, राज्यपाल बुलाएंगे, शपथ दिलवा देंगे कि भाई तुम सीएम बन गए, जाओ 15 दिन में 10 दिन में अपना बहुमत साबित कर देना। और उस 15 दिन और 10 दिन के एपिसोड में सेंटर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या गेम करेगी, किसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं, किसके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं, किसके खिलाफ छेड़खानी के मुकदमे दर्ज हैं और किसके खिलाफ कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हैं और कैसे कैसे भूत निकल आएंगे, किस किस तरीके से डराया जाएगा, क्या क्या हथकंडा अपनाया जाएगा, क्या मंडी लगेगी, क्या खरीदा जाएगा, क्या बेचा जाएगा, वो सब कुछ होगा। और एट लास्ट ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी फ्लोर पर सदन के अंदर बहुमत साबित कर देगी और उसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि वो हमेशा इन सब चीज़ों में कहीं पीछे नहीं रहती है, वो एक कदम आगे चलती है। ये लोग शराफत में डूबे हुए हैं। जैसे आपने देखा हो राहुल गांधी को पुणे चुनाव के दौरान, साहब मैं तो मुद्दे उठाऊंगा, मैं तो सवाल करूंगा, मैं प्रधानमंत्री के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, वो इनको बोल रहे हैं जाओ कुत्तों से सीख लो फलानी जगह की, वो बोल रहे हैं लो बेटा कुछ नहीं कर पाया, माँ आ गई है मैदान में, तो वो अपनी उन तमाम भाषाओं पे रहते हैं और ये बाबा जी बने रहते हैं, ये चाहते हैं कि हम सभ्य बात करते रहें। तो सभ्य बात करने का जवाब जो है वो सभ्य बात करने वालों को दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की जो बात करता है उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी राहुल गांधी की कि मुद्दों की बात करते हैं। हालांकि भोपू मीडिया और जो पूरे लोग हैं अभी इस वक्त, वो शायद मुद्दों की बात सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ नफरतों की या बकवासबाजी बातें सुनना चाहते हैं। तो बात शुरू करते हैं, खुद करें तो रासलीला और करें तो करैक्टर ढीला, ये वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 4 राज्यों के अंदर वो उसके पास बहुमत भी नहीं था, वो बड़ी पार्टी भी नहीं थी, फिर भी उसने वहाँ सरकार बना रखी है। इस पूरी खबर में आपके सामने बताऊंगा। सीटें कम होने के बाद भी उनने सरकार बना ली मणिपुर में, मेघालय में, बिहार में और गोवा में। लेकिन बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई। कहा जा रहा है अब कर्नाटक में, क्योंकि बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी, तो तमाम भोपू मीडिया और जो एक पूरा का पूरा एक वर्ग होता है, जो विचारिक वर्ग होता है, जो लोगों में लाइन छोड़ देता है,
राज्यपाल का विशेष अधिकार है साहब, राज्यपाल का विशेष अधिकार है, राज्यपाल के विशेष अधिकार पर सवाल नहीं खड़े किया जा सकते। तो ऐसा माहौल बनाता है जो ऐसी बातें करता है। और जनादेश का सम्मान होना चाहिए, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। वो लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब मणिपुर में जनादेश का सम्मान नहीं होता, जब गोवा में जनादेश का सम्मान नहीं होता, जब बिहार में जनादेश का सम्मान नहीं होता और जब मेघालय में जनादेश का सम्मान नहीं होता, तब उनके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं या उनको शर्म आ जाती है या वो अपनी भोंपूगिरी में लग के उस मामले को दबाकर दूसरा मामला करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब बात हो रही है राज्यपाल की, तो राज्यपाल साहब के बारे में ही बात कर लेते हैं। राज्यपाल का नाम है वेजू वाई वाला, कर्नाटक के राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पुराने टाइम से जुड़े रहे हैं, जनसंघ के टाइम से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ये वही नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में जब उन्होंने दो सीटों से चुनाव लड़ा, एक बनारस से और एक गुजरात के अंदर से, उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी और उसी के रहमो करम पर, उसी के एहसान के चलते इनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया। तो अब इनके पास भी मौका है मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का वो एहसान उतारने का कि मुझे राज्यपाल बना रखा है, देखिए मैं अब अपनी पार्टी के लिए क्या करता हूं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो राज्यपाल का विवेक कहां काम करेगा, इससे आगे चलते हैं अब खबर के मामले में। अब चार राज्यों का हाल आपके सामने रखता हूं, फिर आपको कर्नाटक की तस्वीर खुद ब खुद समझ आ जाएगी। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 17 सीटें उसको मिली फिर भी सरकार नहीं बना पाई, और 13 सीट पाकर जो दूसरी नंबर की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसने वहां सरकार बना ली है, वो सत्ता में वहां है, मनोहर पारिकर वहां के सीएम है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए साहब, 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 28 सीटें मिली उसको, सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 सीटें और चाहिए थी। ध्यान दीजिएगा, 28 + 3 = 31 पे बहुमत साबित हो गया, लेकिन बावजूद इसके 21 सीटें यानी कि बहुमत से 10 सीटें दूर रह जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज वहां सत्ता में बैठी हुई है। तो क्या वहां राज्यपालों के जमीर सो गए थे, क्या वहां राज्यपालों का विवेक नहीं जागा था? उन्होंने तो बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस को बुलाया भी नहीं और ये भी नहीं कहा कि आप सरकार बना लीजिए, बाद में बहुमत साबित कीजिएगा, क्योंकि राज्यपाल किस सरकार के बैठे हैं, राज्यपाल के पद पर वैसे सवाल खड़े नहीं किए जाते, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं, जैसे दिल्ली में सीएम पद का चेहरा थी किरण बेदी जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ रही थी 2015 में, लेकिन जब वो हार गई, दुर्गत हो गई, चलो भाई इनको राज्यपाल बना के भेज दिया। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में जो जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उन्हें नायक लिखा जाता था अखबार में, नायक कल्याण सिंह, वो जो सीएम रहे हैं उनको राज्यपाल बना के भेज रखा है। हालांकि उनके खिलाफ जो मुकदमा बाबरी मस्जिद ढाने वाला है वो दोबारा से चल गया, अभी भी वो सीट पे बने हुए। बेशर्मी तेरा आसरा, कोई ठिकाना तो है नहीं, हमारे खिलाफ कुछ भी हो जाए हम तो बने रहेंगे क्योंकि हमारे पास पावर है। 30 साल की लंगड़ी सरकारों का तोड़ खत्म करते हुए बहुमत के, पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार बनी है। कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, और बोलने वाले हैं कितने, हमारे पक्ष में बोलने वाले भोंपू मीडिया ज़्यादा हैं और हमारे खिलाफ बोलने वाले कम हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए, दो चार तो हमें पाल के भी रखने पड़ते हैं ताकि वो हमारे खिलाफ बोलते रहे। 60 सीटों वाली मेघालय विधानसभा का हाल आपको बता देता हूं, कांग्रेस ने यहां पर जीती 21 सीटें और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनकर उभरी, लेकिन बावजूद इसके दो सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज वहां सरकार में। कहां गया राज्यपाल का विवेक और कहां गई राज्यपाल की गरिमा, तो देख लीजिए। अब चलते हैं बिहार में, 243 विधानसभा सीटों वाली भारतीय बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली 53 सीटें, सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें, तो 122 सीटों की बजाय उनको मिले सिर्फ 53, लेकिन 80 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आज विपक्ष में बैठी है और सिर्फ 53 सीटें पाकर तीसरे नंबर की पार्टी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी आज वहां सत्ता में बैठी। तो आप हाल देख लीजिए, यह है राज्यपाल के पद की गरिमा और राज्यपाल का विवेक। फिर भी नैतिकता की सबसे बड़ी दुहाई देते हैं साहब, कहते हैं साहब नैतिकता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आप उनके प्रवक्ताओं को देख सकते हैं, खूब लफाजी जबान खूब चलाते हैं और संविधान का खूब हवाला देते हुए बातें करते हैं। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि भोंपू मीडिया उनका पूरा सहयोग करता है, परसेप्शन बनाने में, एक धारणा बनाने में उसमें माहिर है। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी, मैंने बताया कि चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी नहीं मिला था, वो बड़ी पार्टी भी नहीं बनी थी, फिर भी उसने सरकार बना ली और आज
कर्नाटक में वो इस बात की दुहाई दे रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन के आए हैं तो इसलिए सरकार बनाने का अधिकार हमारा है, राज्यपाल हमें बुलाए और राज्यपाल भी उन्हीं को बुलाते हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरी जगह ऐसा कुछ होता नहीं दिखा है, ना राज्यपाल के पद की गरिमा दिखाई दी, ना राज्यपाल ने अपने विवेक से काम लिया। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाजत।